असलम अच्छा अब हम लोग एन आर ए स्टार्ट करने लगे हैं और एन आर ए में मेनली जो है वो हम एम सी क्यू पॉइंट्स ही देखेंगे सबसे पहले जो चीज़ मेरा जो होगा ना मैथड मैं थोड़ा सा आपको वो बता देती हूँ कि मैंने आपको किस तरह से कराना है सबसे पहले ना जो अभी हम चैप्टर एन आर स्टार्ट किया करेंगे मैंने उसके कराने हैं आपको सारे टेबल्स क्योंकि टेबल्स एन आर ऐ के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे टेबल्स तो नहीं मतलब वो वाले टेबल्स जो इंपॉर्टेंट है जो करने हैं ठीक है थीके? उसके बाद मैंने ना यहाँ से स्टार्ट करके ना फर्स्ट लाइन से एंड तक आपको वो सारे एम सी क्यू पॉइंट्स बताने हैं जो एन आर ए में हैं ठीक है वो वाले बताया करूँगी उसके बाद मैंने क्या करना है आपको क्योंकि एन आर याद करना थोड़ा सा मुश्किल है तो जब हम यहाँ से एम सी क्यू पॉइंट देख लिया करेंगे तो इस तरह से मैंने जो नोट्स बनाए होते हैं एन आर ए से एम सी क्यू पॉइंट्स के उधर से हम क्या करेंगे क्विक रिव्यू ठीक है यहाँ पर एज़ इट इज़ नहीं लिखा होता एक दो कोड लिखे होते हैं ताकि हम क्विक रिव्यू कर सकें एंड आई एम श्योर कि इस तरह से जब हम पढ़ेंगे ना तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा कोई भी ना टेबल में से ना एम सी क्यू पॉइंट्स में से ठीक है और इवन एन आर ए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी तो इसलिए स्टार्ट करते हैं अटोपसी मेरा फेवरेट टॉपिक है तो इसीलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ अटोपसी में सबसे पहले हम लोगों ने जो करनी है वो टेबल्स करने हैं टेबल जो है ये वाला सबसे पहले बिसमानरिम <coughs> अच्छा अटोपसी रूम में अब जब अटोपसी की जा रही होती है तो कुछ हैज़र्ट्स होते हैं कुछ वहाँ पर ख़तरा समझ लें या मुश्किलात होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं अब वहाँ पर हो सकती हैं तो इंजरी मकैनिकल इंजरी उसके बाद या वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकते हैं बायोलॉजिकली इन्फेक्शन अब वो बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन थर्ड पे आ गया वहाँ पर केमिकल्स होते हैं डिफरेंट डिसइंफेक्टेड वगैरह एंटीसेप्टिक्स वगैरह तो उन केमिकल्स से जो है वो नुकसान पहुँच सकता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी तो यूज़ होती है ना और वहाँ पर रेडिएशन भी यूज़ होती हैं स्टेलाइजेशन के लिए तो इन सारी चीज़ों की वजह से कोई ना कोई नुकसान पहुँच सकता है ठीक है मकैनिकल बायोलॉजिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल और रेडिएशन मकैनिकल की अगर हम बात करें तो मकैनिकल क्या क्या होता है कि कोई इंजरी हो गई गी, कोई गिर गया कोई फ्रैक्चर हो गया तो वही यहाँ पर चीज़ लिख देनी है कि लिम का फ्रैक्चर हो गया गिरने से ठीक है क्योंकि वहाँ पे वेट फ्लोर होता है जब उसको वॉश करना है तो फ्लोर वेट हो जाता है जिसकी तो वजह से फ्रैक्चर हो सकता है लिम का गिरने से या कोई नीडल प्रिक हो गया या आपके बैक मसल होगी क्योंकि इतनी इतनी वजनी जो होती हैं वो या वहाँ पर डेड बॉडीज हो जाती हैं तो जब उनको उठाना होता है तो बैक के मसल्स में मसला हो सकता है या आई कॉर्नियल अल्सर हो सकता है ठीक है डस्ट फ्रॉम बोन तो आई बैक या नीडल प्रिक या लिम फ्रैक्चर आगे चले बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल इन्फेक्शन अब हमें बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और हमें वायरल भी हो सकते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो क्यों होते हैं क्योंकि जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो सेप्टीसीमिक या पाइमिक हो सकती हैं ठीक है उनमें कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है कोई इफेक्शन हुआ है और उसके अलावा जो उनके ऑर्गन और विसरा से फ्लूड आ रहा होता है या उनमें एबसिस बने होते हैं उनकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है या स्पेसिफिक इन्फेक्शन है टाइफाइड टू बर्क्रोसिस थ्रक्स इनमें से कोई इन्फेक्शन ठीक है इन सब की वजह से क्या हो सकता है कि वहाँ पर जो टोपसी कर रहा है उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस एड्स और फंगल फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं तो वायरल में हेपेटाइटिस और एड्स हैं और फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल में आपने देख लेना है के स्पेसिफ़िक uh, इन्फेक्शन्स कौन से हैं इन इन्फेक्शन के अलावा अगर कोई डेड बॉडी सेप्टीसीमिक या पाइमिक है या किसी को एपसिस वगैरह है तो वहाँ से भी बैक्टेरिया इफेक्शन हो सकते हैं आगे अगर हम चले हमारे पास आ जाते हैं जी केमिकल केमिकल एंटीसेप्टिक्स होते हैं डिस इन्फेक्टेड होते हैं जैसे आयोडीन वगैरह डिटोल वगैरह हमने जनरल बैक्टेरियो में जो पढ़े थे इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो जो टॉपसी टेबल होती है और जो फ्लोर होता है वो गीला हुआ होता है ठीक है तो वहाँ पर अब अगर कोई अपलाइंसेज़ वगैरह से बिजली की हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो है वो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बर्नस हो सकते हैं रेडिएशन वहाँ पर यूज़ की जा रही तो आइयनवाइजिंग रेडिएशन या इलेक्ट्रो रेडिएशन तो वो भी डैमेज काज करती हैं इस टेबल के बाद नेक्स्ट टेबल जो हमने देखना है दट इज स्टेजेस ऑफ अटॉप एग्जामिनेशन जब बड़े आराम से याद हो जाती है स्टेज पर ये आसान है सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और क्लोथ में से देखना है एविडेंस को तो सारी बातें सबसे पहले कपड़े आते हैं तो कपड़ों का एग्जामिनेशन करना है और कपड़ों में से कोई एविडेंस अगर मिलता है तो वो देखना है उसके बाद आपने कपड़े उतार देने हैं उसके और अब आपने उसकी बॉडी सर्फिस का फिजिकल एग्जामिनेशन करना है एंड अगेन एविडेंस को कलेक्ट करना है जैसे क्लोथ में से एविडेंस को कलेक्ट किया था वैसे ही बॉडी सर्फिस में से अब आपने ऊपर से एग्जामाइन कर लिया एक्सटर्नल एग्जामाइन कर लिया अब आपने ओपनिंग ऑफ बॉडी के एविटिस पर आ जाना है थोड़ा ऐसी कैविटी अब कैविटी को ओपन करना है जब उनको ओपन कर लिया अब अंदर पड़े होते हैं कॉन्टेंट अब इंटरनल कॉन्टेंट्स को देखना है उनको एग्जामिनेशन करना है और उसके बाद अपने स्पेसीमन कलेक्ट कर लेना है जैसे यूरिन ब्लड वगैरह के स्पेसीमन या ऑर्गन विसरा के स्पेसीमन कलेक्ट कर लेने हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए एंड जब सारा काम हो गया तो बॉडी की क्लोयर कर देना है ठीक है तो ये आसान है सबसे पहले क्लोथ देन एक्सटर्नल देन ओपनिंग कर ली देन इंटरनल विसरा देन उनको कलेक्ट कर लिया एंड देन क्लोर ऑफ द बॉडी नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि वो है हमारे पास नेगेटिव अटोपसी नेगेटिव अटोपसी हमारे पास क्यों होती है क्या होती है ये तो हम बाद में करेंगे ना अभी हम सिर्फ टेबल्स करें तो नेगेटिव अटोपसी के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं अटोपसी विदाउट एडिकुएट हिस्ट्री आपको कोई हिस्ट्री ही कंप्लीट नहीं मिली जिसकी वजह से आपको डेथ का कॉज पता नहीं चल रहा अब ये किस केसेस में होता है एनाफिलेक्टिक शोक न्यूमोथोरक्स वेगल इनहिबिशन और एपिलेप्सी के केस में अच्छा अब आ, आप खुद सोचिए वैसे अगर इन कंडीशन का आपको सबका पता होगा तो इन कंडीशन में वाकई में हमें हिस्ट्री एक आ, जो है प्रॉपर नहीं मिल पाती ठीक है तो आप इनको कोई निमोनिक वगैरह पेव वैसे निमोनिक बन सकते हैं कि आ, पी ए वी ई से न्यूमोथोरिक्स एनाफिलेक्टिक एनाफ्लेक्टिक और एपिलेप्सी ठीक है अच्छा उसके बाद अगर मेडिकल एग्जामिनर जो है उसकी सही से ट्रेनिंग नहीं हुई हुई तो ये ना ज़्यादातर हा, हार्ट से रिलेटेड है इसमें आती स्कीमिक हार्ट डिजीज़ क्रोनरी स्पाजम और क्रोनरी आर्टरीक्लुअन तो हार्ट से रिलेटेड आने अगर मेडिकल एग्जामिनर की ट्रेनिंग नहीं हुई ना तो हार्ट से रिलेटेड उसमें एग्जाम्पल्स आएंगी और अगर हिस्ट्री वाली है तो उसमें पे से आप याद कर सकते हो उसके बाद अगर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन नहीं सही किया ये तो आराम से याद हो जाती है यानी इलेक्ट्रोक्यूशन का कोई पेशेंट था उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ही सही हुआ या इंट्राकार्डिक इंजेक्शन किसी को लगा हुआ था या ड्रग था या वो कोई उसको पॉइजनस बाइट थी जैसे स्नैक वगैरह ने काटा हुआ था लेकिन उसका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन सही नहीं हुआ तो पता ही नहीं चल सका अगर इंटरनल एग्जामिनेशन सही नहीं हुआ तो एयर एम्बोलोजम न्यूमोथोरिक्स क्रोनरीसपाजम इंटरनल एग्जामिनेशन वाले में ना ये इसकी एक दो डाली हुई है और एक दो इसकी डाली हुई है अब जैसे क्रोनरी पाजम हमने इसमें पढ़ा था तो क्रोनरी प्लाज्म इसमें भी आएगा क्रोनरी आर्टरी क्लून भी इसमें आएगा और एयर एम्बोलिज्म और जो न्यूमोथोरिक्स है वो ऊपर वाले का तो इस तरह से कोई न्यूमोनिक वगैरह से आप याद कर सकते हो कि इंटरनल में जो है वो एक दो आई हुई है हिस्ट्री वाले की और एक दो आई हुई है ये ट्रेनिंग वाले की ठीक है एग्जाम्पल्स क्योंकि एग्जाम्पल्स भी साथ से याद करनी है ना उसके बाद अगर लेबॉर्ट्री में हिस्टोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल जो एग्जामिनेशन था जो हमने स्टेप्स में पढ़ा था ना कि स्पेसिमन कलेक्ट करने हैं वो फिर हमने हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देने होते हैं ना तो अगर उसमें कोई फॉल्ट है तो उससे जो है वो ये हो सकता है कि फॉल्टी या नेगेटिव रिजल्ट आते हैं उसके बाद ये तो था कि हमें खुद पता नहीं चल सका अब आ जाओ कि अगर ट्रोमा या डिजीज ही इतनी इनसिग्निफिकेंट थी कि हम उसको देखकर सोच ही नहीं सकते कि इससे भी डेथ हो सकती है किसी की ठीक है सॉरी अच्छा अब वो कौन से हैं वो हमारे पास हो गया फैट एंड एयर एम्बोलिज्म डिलीरियम के ट्रे ट्रेमर पोलियार्थाइटिस ने रोज़ा एस नोट की कोई पैथोलॉजी मायोकार्डाइटिस ये सारे तो आसान है आराम से आपको याद हो जाएंगे ठीक है उसके बाद अगर हमारे पास ट्रोमैट कंसील्ड साइट कुछ छुपी हुई जगह पर ट्रो है जैसे हमारे पास नोस्ट्रिल्स में ईयर पैलेट में कोई फायरम इंजरी है या अटलैंटो एक्जिल ज्वाइंट वगैरह की डिसलोकेशन हो गई ओके okay, अब हम देखेंगे एम सी क्यू पॉइंट्स एमसी क्यू पॉइंट सबसे पहले फ्रेंजिक अटोपसी की डेफिनेशन आ जाती है ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है इसको आपने करना है फॉरेंसिक अटोपीसी में क्या करते हैं सिक्योरिटी नहीं की जाती है कोप्स की और जब ये करते हैं तो इसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल सर्फिस की देन थ्री इंटरनल बॉडी कैविटीज आ जाती हैं बॉडी कैविटीज के कॉन्टेंट उनको ओपन करने के बाद हम उनके कॉन्टेंट्स भी देखते हैं देन हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं बॉडी टिश्यूज को क्यों कलेक्ट करते हैं फर्दर हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी बायो केमिस्ट्री टॉक्सिकोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए तो ये हमारे पास डेफिनेशन होगी उसके बाद टाइप्स ऑफ अटोपसी मेडिकल अटोपसी फॉरेंसिक अटोपसी पॉज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और साइकोलॉजिकल अटोपसी मेडिकल अटोपसी यार नाम से ज़ाहिर हो रहा है मेडिकल अटोपसी हम तब करते हैं अगर एक पेशेंट था हमारे पास और उसका हम जो है वो डायग्नोसिस करने की कोशिश कर रहे थे कि इसको क्या डिजीज है लेकिन नहीं पता चल सका उसकी डेथ हो गई है तो आफ्टर डेथ हमने उसकी मेडिकल अटोपसी करनी है ताकि पता तो चले इसका डायग्नोसिस क्या था ठीक है ये तब की जाती है जब क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन लाइफ के दौरान कंप्लीट ना हो सके पेशेंट की तो फिर डायग्नोसिस के लिए हम आफ्टर डेथ करते हैं वैसे ये पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं होती है. अच्छा फ्रेंसिक अटोपसी फ्रेंसिक अटोपसी होती है लॉ की लॉ में ये होता है क्यों होती है तब हम करते हैं जब कोई आ, ऐसी डेथ हो जाए जो क्रिमिनल असोल्ट की वजह से हो या पॉइजनिंग की वजह से हो मतलब जो जुर्म जिसमें होमिसिडल डेथ हो या सुसाइडल डेथ हो तब फ्रेंजिकोटोपसी की जाती है क्यों की जाती है काज एंड मैनर ऑफ द डेथ जानने के लिए उसके बाद आ जाओ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन यार इसमें यह होता है कि एक्सटर्नल बॉडी सर्फिस को एग्जामिन किया जाता है और स्पेसीमेन वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं ब्लड बाल वगैरह लेकिन इसमें बॉडी कैविटीज को ओपन नहीं किया जाता ठीक है और कहते हैं इसको डिसक्रेज करना चाहिए पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन को उसके बाद साइकोलॉजिकल अटोपसी ये करते हैं जब सुसाइडल केस हो कोई ठीक है इसमें ये करना होता है कि जो पेशेंट था जब जो, जो, जो मतलब जिसकी डेथ हुई है उसमें उसके असल में मेंटल स्टेटस उसका क्या था टाइम टाइम ऑफ द डेथ पर ये जानने के लिए की जाती है ठीक है अच्छा जी उसके बाद इसमें साइकोलॉजिकल uh, अटॉपसी में at, कौन सा डाटा देखा जाता है कोई उसका बैकग्राउंड देखा जाता है उसका करैक्टर क्या था उसकी हैबिट्स क्या थी पर्सनैलिटी उसकी कैसी थी उसका रिलेशनशिप क्या था कैसा था बाकी सबके साथ अब आ जाओ अटोपसी सूट में इसमें ना ये काफ़ी लंबा चला टॉपिक है इसमें कुछ पॉइंट्स है जो एम सी क्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ जो फ्लोर और वॉल्स होनी चाहिए ना अटोपसी रूम की वो होनी चाहिए आइस ब्लू टाइल्स उन पर ताकि धोने में आसानी हो ठीक है और जो पानी यूज़ करना है ना धोने के लिए वो सीलिंग से आना चाहिए नीचे की तरफ अच्छा जो अटोपसी रूम है उसकी लाइट प्रेफर करना है कि सनलाइट ही यूज़ की जाए लेकिन अगर सनलाइट ना हो तो आइस ब्लू फ्लोरिसेंट इलेक्ट्रिक ट्यूब्स यूज यूज़ करनी है ठीक है लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बहुत सारे स्किन शेड्स को डिफ्रेंशिएट करना है टोपसी के दौरान और नाइन्टीन यूमन तक की हमें मिनिमम लाइट चाहिए जो सफिशियंट होती है स्टीलाइजेशन जब करनी है टोपसी रूम की तो वो यू लाइट से करनी है यू लाइट को जो वॉल से वॉल से यू वी लाइट आनी चाहिए पूरे रूम में और जब यू वी लाइट आ रही हो तो रूम में उस पर कोई मौजूद ना हो इंसान कोई ना हो ठीक है अटॉप रूम की वेंटिलेशन कैसी होनी चाहिए रिवर्स फंक्शन करना चाहिए वेंटिलेशन को यानी ऊपर सीलिंग से हवा आए और बाद में नीचे जो है वो वेंट लगे हों फ्लोर के पास और उन वेंट से हवा बाहर चली जाए मतलब ऊपर से नीचे आए और दर नीचे बाहर चली जाए ये इस तरह क्यों करना चाहिए क्योंकि इस तरह से इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन नहीं होती इन्हेलेशन से ठीक है अच्छा उसके बाद आगे आ जाओ ऑटोप्सी सूट में आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर है कि जो प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर रखना है ना ऑटोप्सी से पहले का टेम्परेचर वो रखना है प्लस फोर से कम नहीं होना चाहिए प्लस फोर तक रखना है क्यों क्योंकि आपने माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन भी करना है डेड बॉडी का तो अगर आप प्लस फोर से नीचे ले जाओगे बॉडी वैसे ही फ्रीज हो जाएगी ठीक है और जो पोस्ट ऑटोप्सी रखना है वो रखना है माइनस ट्वेंटी क्योंकि डेड बॉडी को अगर लंबे अरसे के लिए स्टोर करना है आगे अगर चले जाओ तो ऑटोप्सी टेबल जो है वो स्टेनलेस स्टील के यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनमें रस्टिंग नहीं होती ठीक है जंग वगैरह नहीं लगता उसके बाद